बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला की रहमत फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग इज़ ऑल अबाउट द फन। कारीगर क्या कमाल की चीज़ें बना देते हैं कि इंसान बिल्कुल हैरान रह जाता। हम सोच भी नहीं सकते, हमारा माइंड वहाँ तक काम नहीं करता जहाँ तक फ़न और कारीगरी जो है चीज़ को तैयार करके रख देता है एक कारीगर। सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल शो यू लाइक ए रियल फिश, दिस इज़ फन। कि आज एक फ़िश आपको दिखाने जा रहा हूँ और फिश ऐसी के रियल वाली फ़िश लगती है, उसके सेम टू सेम रियल फिश। सो लेट्स गो एंड वॉच। सो लुक एट दिस, देखिए इस फिश को। देखिए कितनी रियलिटी इसमें लगती है, कितनी ये हकीकत लगती है कि जैसे ओरिजिनली ये फिश होती है। दिस इज़ नॉट ए रियल फिश। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम शॉप पे बैठे हुए थे अपनी पे, तो एक बंदा आया, उसने आवाज़ लगाई मछली ताज़ा मछली फ़िश। तो हम सभी थोड़ा हैरान हुए कि इस सीज़न में मछली कहाँ से आ गई भैया, कौन मछली बेचने वाला आ गया। कुछ लम्हे गुजरे होंगे तो थोड़ा रश लग गया एक जगह पे। हम भी शॉप छोड़ के वहाँ पे चले गए, हमने जाके वहाँ पे देखा कि कौन सी फ़िश है क्या है। तो सेम लाइक दिस, जैसे अभी हमने आपको दिखाया, तो ऐसे मछली जो है वो खुश्की पे तैर रही है, भाग रही है, इधर से उधर जा रही है, रियल फिश लाइक। हम सभी हैरान हुए, हमने सोचा कोई कॉस्टली चीज़ होगी जो ये बंदा सेल कर रहा है। उसने शॉप पर एक हैंडबैग एक पकड़ा हुआ था, वो भरा हुआ था इसी तरह की फिशेस से, और वो इस तरह से सेल कर रहा था वहाँ पे। तो हम भी वहाँ पे चले गए, हमने वहाँ पे जाके उसको देखना स्टार्ट कर दिया। तो प्राइस सुन के हम पहले से भी ज़्यादा शॉक हो गए, हम हैरान रह गए। आई वॉज़ थिंकिंग दैट वन फिश विल राउंड अबाउट 100 to 200, आई वॉज़ थिंकिंग। लेकिन तब जाके मेरी हैरानगी की हद नहीं रही कि जब उसने बताया कि भाई 30 रुपीज़ का वन पीस एंड 50 की 2, 30 का 1 50 की 2, 30 का 1 50 की 2। हम बहुत ज़्यादा हैरान रह गए यार, इतनी सस्ते दामों ये चीज़ सेल कर रहा है, तो ये आखिर ये चीज़ है क्या। हमने उसको देखने के लिए हमने उसको परचेज़ कर लिया, एंड बिलीव दैट कि हमने 20 रुपीज़ का एक पीस परचेज़ किया, 20 का 1, जो 50 के 2 दे रहा था, हमने वो 20 रुपये के एक पीस के हिसाब से, हमने कोई 5-6-7 लोग थे वहाँ पे, सभी ने एक एक दो दो पीस ख़रीद लिए, तो 20 रुपये का हमने वन पीस ख़रीदा। तो फिर उसको हमने चेक करना स्टार्ट किया कि आखिर इसमें है क्या, ये क्या चीज़ है, फ़न क्या है, कारीगरी क्या है इसमें। तो आइए आपको भी दिखाते हैं ये कैसे ये सब हुआ, कैसे उसने सब कुछ तैयार किया। दिस इज़ पैकिंग ऑफ दिस फिश। सो इसको ओपन करते हैं अभी और आपको चेक करवाते हैं कि कारीगर की कारीगरी, इसका फ़न जो है वो कैसे अमेजिंग और कैसे हैरान कन है, और कितने सस्ते रेट्स में उसने ये सब कुछ तैयार। तो ये पैकिंग इसकी और पैकिंग का ये शॉपर है, जो शायद 1 रुपये के 8 या 10 शॉपर इस तरह के आ जाते होंगे, ठीक है। दिस इज़ कम्प्लीटली ये गत्ता लगा हुआ है, उसके बाद इसके ऊपर ये नलकी वाला धागा लगा हुआ है, ठीक है जी। ये धागा था इसके ऊपर लपेटा हुआ, नलकी वाला धागा सिंपल, ठीक है। इसको ओपन कर लिया हमने, इसके बाद इसकी बैग, ये इसकी जो दुम बनाई हुई, जिसका धड़ पेड़ सब कुछ जो बनाया हुआ, ये देखिए ये भी प्योरली
कागज़, ठीक है, ये कागज़ है, तो इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचते, ये देखें जितना इसको लंबा मर्जी कर ले, ठीक है, ये कागज़ है इसके ऊपर लगा हुआ, ये देखिए, उसके बाद इसके नीचे ये टायर लगाए हुए हैं जो कि चूने से बनाए गए हैं। ये टायर्स लगे हुए हैं जो कि चूने से बनाए गए हैं। इसके अलावा इसके बाद इस पे ये जो खर्चा है ये सिर्फ एक रबड़ लगी हुई है, इस रबड़ को इन टायर्स के अंदर से गुजारा गया है, ठीक है, और ये धागा इसके ऊपर लपेट दिया गया। तो अब इसका चलने का कमाल जो है ये ऐसे चलती है, इसके चलने का पूरी जो फन है, इसके कारीगरी है, वो ये है कि जब हम इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे, इस धागे को हम पकड़ के ऐसे खींचेंगे, तो ये देखें ये रबड़ जो है ये इकट्ठी हो रही है, ठीक है, जब इसको छोड़ेंगे तो इस तरह से भागती है। ओवरऑल टोटल जो उसका फ़न है कारीगर का, जो उसकी कारीगरी है, वो इसी में छुपी हुई है कि ये देखें इस धागे को हमने खींचना है तो ये रबड़ जो है इस तरह से इकट्ठी हो जाएगी, फिर जब छोड़ेंगे तो रबड़ है, ज़ाहरी बात है रबड़ ने वापस अपनी जगह पे जाना चाहिए ऐसे भागे। दिस इज़ ऑल अबाउट द फन। इस पर टोटल आई थिंक कि इस पर जो टोटल ख़र्चा हुआ है 2 रुपये का ये कागज़ भी नहीं होगा, 2 का भी ये गत्ता नहीं होगा, ठीक है, 1 रुपये का ये कागज़ नहीं होगा, चलें लगा लें ये 1 रुपीज़ का ये हो गया, 2 रुपये का ये हो गया, ठीक है, और ये टायर और टोटल ख़र्चा 2 रुपये का ये लगा लें या 5 रुपये का लगा लें, ओवरऑल टोटल इन्वेस्टमेंट इस पर आई थिंक एक को तैयार करने पे 7-8 रुपये या 10 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये इतनी कमाल की चीज़ है कि जब वो इस तरह से ये जब वो इसको सेल करने के लिए आया हुआ था तो आई वाज थिंकिंग कि ये कम से कम 200 रुपये या 150 रुपये का एक पीस होगा, लेकिन 30 रुपये का एक पीस और 50 के 2 पीस बताए तो हैरानगी की जो है वो हद नहीं रही। बात करने का टोटल ओवरऑल मकसद ये है कि ये 20 रुपये का सेल करने के बाद भी राउंड अबाउट 10 रुपीज़ टू 12 रुपीज़, 10 से 12 रुपये उसने प्रॉफिट गेन किया इसमें से, और हमारे पास खड़े खड़े उस बंदे ने इसके 20 पीसेस सेल किए, सिर्फ 5 मिनट लगे उसको, 10 रुपये में तैयार करके 20 का सेल करना, 50% मार्जिन, और सबसे मेन चीज़ है वो इसकी कारीगरी है कि उसने कैसी कमाल की कारीगरी की, और ये एक अनमोल चीज़ उसने तैयार कर दी जो कि सभी देखते हैरान हो जाते। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।